चलिए तो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ने आ रहे बताइए, ईवीएस। क्या पढ़ने आ रहे बोलो? देखिए ईवीएस एक, पहले तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जो कि बीए का भी है, बीएससी का भी है और बीकॉम का भी, मतलब तीनों स्ट्रीम का ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट कॉमन है, समझ रहे ना, कॉमन। बीए के लिए भी अगर हो, बीए स्टूडेंट हो तो आप भी देख सकते हो, बीकॉम स्टूडेंट हो तो भी देख सकते हो, और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी। तीन पेपर ऐसा है जो कॉमन है सबके लिए। क्या क्या बोलिए? इंग्लिश, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और ईवीएस। स्टार्ट करते हैं। तो आज ईवीएस का पहला क्लास है। कैसा क्लास है बाबू? पहला। ईवीएस इज द ओनली सब्जेक्ट को हम लोग टच भी नहीं किए थे। क्या नहीं किए थे बाबू? टच। आज ईवीएस को हम लोग क्या करने वाले हैं? टच। क्या करेंगे बोलिए? टच। रेडी? तो स्टार्ट करें। ध्यान से सिर्फ सुनना है आपको। क्या करना बोलो? सुनना है। बुक का पीडीएफ अभी आपको हम नहीं भेजे हैं, जब फॉर्मेटिंग हो जाएगा तो आपको भेजेंगे बुक, लेकिन रेडी है। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस, आ जाओ। तो भाइयों और बहनों देखिए, सबसे पहला आ जाओ, ईवीएस का चेहरा देख लीजिए। ये बुक है, ये ओरिजिनल पीडीएफ है, जब इसका फॉर्मेटिंग हो जाएगा तो आपको भेज देंगे। ऐसे अभी हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज। इंट्रोडक्शन टू क्या बाबू? इन्वायरमेंटल स्टडीज। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बुक का बंगला वर्जन भी रेडी कर दे रहे, इंग्लिश वर्जन भी रेडी कर दे। इंग्लिश वर्जन तो रेडी है, आज बंगला वर्जन भी भेज देंगे। तो आप लोग जो लोग बंगाली वर्जन के स्टूडेंट्स हो, आप लोग भी पढ़ पाइएगा, यही बुक का बंगला वर्जन भी डाल देंगे। क्लियर है गाइस? तो जो लोग बंगला में पढ़ोगे आप लोग को भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ पाओगे। क्लियर है? और देखो ईवीएस में, ईवीएस में आपका तीन टाइप का क्वेश्चन पैटर्न है। 10 एमसीक्यू होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 10 होगा। तो कितना हो गया बताइए? 10 एमसीक्यू हो गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितना हो गया बताइए? 10। और उसके बाद 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो चार्टर रहेगा। कितना रहेगा बाबू? चार्टर। तो कितना हो गया बताइए? 20। अब 20 40 और 10 50। क्लियर है गाइस? तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक का नाम क्या बताइए? पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज। क्या है इन्वायरमेंट, किसको बोलते हैं इन्वायरमेंट, सिर्फ अभी ज्ञान वाला बात करेंगे आज। तो भाइयों बहनों सबसे पहले व्हाट इज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट बोलते किसको है? तो ये जो वर्ड इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट वर्ड जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज से आया। कौन सा लैंग्वेज से आया बताइए? फ्रेंच। इन्वायरमेंट वर्ड कौन सा लैंग्वेज से आया बताओ? यस, इन्वायरमेंट वर्ड जो है वो कौन सा लैंग्वेज से आया बताइए? फ्रेंच। कौन सा लैंग्वेज बोलो? यस, कमेंट करके बताना ऑनलाइन वालों। इन्वायरमेंट वर्ड कहाँ से आया बताइए? फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज से आया। फ्रेंच वर्ड है इन्वायरॉन। क्या बाबू? इन्वायरॉन। क्या बोलो? इन्वायरॉन। चुप मत रहो, बोलो इन्वायरॉन। जल्दी बताइए इन्वायरमेंट वर्ड कहाँ से आया? ऑप्शन दे रहे बताइए, एमसीक्यू ऑप्शन। फ्रेंच मतलब फ्रांस, अमेरिका, ग्रीक, रसिया, कहाँ से आया बताइए? फ्रांस। फ्रांस से आया, फ्रांस से आया ना जी। अब फ्रांस का लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच। फ्रांस का लैंग्वेज क्या है बोलो? फ्रेंच। और फ्रेंच वर्ड कौन सा था? इन्वायरॉन। क्या बाबू? इन्वायरॉन। इन्वायरॉन, इन्वायरॉन माने की सराउंडिंग्स। तो इसको कैसे, इन्वायरमेंट को डिफाइन कैसे करोगे? इन्वायरमेंट मतलब हर वो सेटअप, हर वो सराउंडिंग, मतलब आपके आसपास जो भी चीज है जिससे आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड होते हो, हर वो चीज जो आपके आसपास है। होता ना कभी कभी आप बहुत गलत व्यवहार करते हो तो मम्मी पापा क्या बोलते, तुम्हारा इन्वायरमेंट ही खराब है, बोल देते ना मजाक में। इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? जिन लोगों से आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। हर वो लोग, हर वो चीज, आपके आसपास जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सारा क्या बताइए? इन्वायरमेंट। ऑल द सेटअप्स, ऑल द सराउंडिंग्स, जो भी चीज हम लोग के आसपास है जिनसे भी हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं, वो सारा चीज को क्या बोलते बाबू? इन्वायरमेंट। क्या बोलते बताइए? इन्वायरमेंट। क्या बोलते बताइए? इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट मतलब क्या? इन्वायरमेंट रिफर्स टू द सेटअप और सराउंडिंग्स व्हिच अफेक्ट अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हर वो चीज, हर वो चीज, जीव जंतु, नदी नाला, पेड़ पौधा, हर वो चीज, हर वो चीज जो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। आपका घर का बगल में तालाब है कि नहीं है बोलो? नहीं है, ओके। जिनका घर का बगल में है वो आपके लिए इन्वायरमेंट हो गया। तालाब, नदी, नाला है ना किसी का घर का, आप लोग किसी का घर का पास में तालाब, नदी, नाला नहीं है? तालाब, नदी, नाला कुछ नहीं है। तो भाई तालाब, नदी, नाला, ये सब क्या है? पेड़ पौधा, ये सब क्या है? इन्वायरमेंट। क्या बाबू? इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट मतलब क्या? देखो आप सोच के दोगे ना, इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि सेम वन में भी है, सेम टू में भी। इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि सेम वन में भी और सेम टू में भी। और आप खुद सोचो, अगर इन्वायरमेंट ऑप्शन रहता तो आप कभी नहीं लेते। इसीलिए इन्वायरमेंटल स्टडी को कंपलसरी बनाया गया फॉरेन कंट्रीज में भी, और अब इंडिया में भी इन्वायरमेंटल स्टडी को कंपलसरी बना दिया गया। पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जब आप सोचो ना, उच्च माध्यमिक में भी तो इन्वायरमेंट था। आप लोग में शायद ही किसी का ईवीएस होगा। किसी का था क्या ईवीएस? आपका था ईवीएस, लेकिन होगा भी तो पढ़े नहीं होंगे आप ठीक से। रेयरली पढ़े होंगे, बोले तो पढ़ लेते हैं, कभी मन किया होगा तो देख लिए होंगे एग्जाम टाइम एक बार। लेकिन अभी क्या है, आपका मजबूरी हो गया कि आपको पढ़ना पड़ेगा। पर ये है क्या सर? तो इन्वायरमेंटल स्टडी मतलब क्या? तो इन्वायरमेंटल स्टडी इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी विच डील्स विद द सेटअप सराउंडिंग्स एंड एनवायरमेंट। इन्वायरमेंटल स्टडी मतलब स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचर। इंसान का नेचर में क्या रिलेशन है, कहां पढ़ेंगे? इन्वायरमेंटल स्टडी। नेचर कैसे हम लोग को अफेक्ट करता है, कहां पढ़ोगे? इन्वायरमेंटल स्टडी में। हम लोग कैसे नेचर को अफेक्ट करते हैं, कहां पढ़ोगे? इन्वायरमेंटल स्टडी में। नेचर हम लोग को कैसे अफेक्ट करता, कहां पढ़ोगे? इन्वायरमेंटल स्टडी। अगर आज आप नेचर से खेलोगे, कल नेचर आपसे खेलेगा। फिर क्या बोलोगे? जैसे बोलो गर्मी लगा था, बोल रहे हो ना गर्मी क्यों लग रहा, इसके लिए कौन जिम्मेदार हो? आप। कौन जिम्मेदार हो? आप। हम लोग सब। कौन जिम्मेदार है? हम। कौन जिम्मेदार है? हम लोग, आप लोग सब जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल है ना। तो आज नेचर जो भी कुछ कर रहा है उसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? आप। कौन रिस्पॉन्सिबल हो? आप। सुन लोगे, समझ लोगे, बना के लिख के आ पाओगे, ठीक है ना। उन लैंग्वेज में लिखना है, आराम से समझ लीजिएगा तब ना लिख पाइएगा, नहीं तो क्या लिखेगा तब भाई? नहीं समझोगे तो क्या लिखोगे? इन्वायरमेंट इज वेरी गुड, इट इज वेरी नाइस, इट इज हेल्पफुल फॉर अस, वी आर हेल्पिंग इन्वायरमेंट। अंडरस्टैंड लिख के बच्चे लोग आता है, तो ये सब में मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं करोगे आप, प्लीज, ठीक है। और देखिए, जो लोग यूट्यूब से क्लास कर रहे हो, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐड हो जाना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, उसमें ऐड हो जाना। गर्ल्स हो तो गर्ल्स व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ, उसमें ऐड हो जाना। बॉयज हो तो बॉयज व्हाट्सएप में ऐड हो जाना। सारा नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब आगे इस टॉपिक पे, तो भाई और बहनों इसी बात पे जल्दी बताइए, अभी तक सिर्फ तीन बात आपको बताई। तीन बात, कितना बात बताइए? तीन बात। पहला, कोई भी सब्जेक्ट जब नया स्टार्ट करते हो उसका पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां से आपको एक आइडिया आता है कि हमको पढ़ना क्या है, और उसके जैसे कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किए, तो पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको समझना है कि सब्जेक्ट का नेचर क्या है। अब एक बार समझ गया फिर उसमें दिक्कत नहीं। इन्वायरमेंट है क्या? तो पहले हमको अभी तक सिर्फ तीन बात बताए। पहला बात, इन्वायरमेंटल स्टडी, इसमें कितना वर्ड है बताइए? दो, एक इन्वायरमेंट और एक क्या बाबू? स्टडी। तो यहां पे हम लोग स्टडी करेंगे किसका? इन्वायरमेंट। पहला बात तो क्लियर। दूसरा, इन्वायरमेंट कौन सा देश का भाषा से आया? बोलो, देश कौन सा? लैंग्वेज कौन सा? देश, लैंग्वेज, 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 देश, देश, लैंग्वेज, लैंग्वेज, देश, 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 ग्रेट। ऑप्शन, फ्रॉम विच कंट्री दिस वर्ड डिराइव्ड? कौन से कंट्री से आया ये वर्ड बताइए? फ्रांस। कौन सा लैंग्वेज से आया? फ्रेंच। वर्ड कौन सा था? इनवायरॉन। क्या बाबू? इनवायरॉन, इनवायरॉन, यस। इनवायरॉन, इनवायरॉन शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है बोलो? एमसीक्यू में पूछेगा बाबा, एक दो दो सब्जेक्ट में तो थोड़ा सा एमसीक्यू, इसमें 10 मार्क्स का एमसीक्यू, और इंग्लिश में पूरा पूरी पूरा इंग्लिश है। इंग्लिश तो एकदम हलवा पूरी सब्जेक्ट है, बस देख ही रहे आप। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे कम पढ़ोगे फिर भी देखो सबसे ज्यादा मार्क्स आ गए, 50 में 50, खाली एमसीक्यू मार्टिक मार्टिक। इसको इसमें थोड़ा सा नॉन एमसीक्यू भी है। अब थोड़ा और आगे आते हैं। इन्वायरमेंट लिटरली मीन्स सराउंडिंग विच वी आर लिविंग। फिर वही बात, इन्वायरमेंट मतलब हर वो चीज, हर वो चीज जिनके हम लोग घिरे हुए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो हमको अफेक्ट करता है, जिसको हम अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लियर है गाइस? अच्छा, इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून आया था, उस कानून का नाम था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एमसीक्यू में दूसरा क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर में आया था? सुनते पाची ना गो, सुना है अच्छे ना गो? इन्वायरमेंट को इतना काटते हो आप, तो आज तो इन्वायरमेंट के बारे में बताने का टाइम आ गया ना। पसंद है इन्वायरमेंट को तो काट ही रहे हो ना, पेड़ पौधा को काट रहे हो भाई, पेड़ पौधा को काट रहे हो, खराब कर रहे हो आप लोग। कौन खराब कर रहे हो? आप। कौन कर रहे हो? आप। अभी आएंगे धीरे धीरे, रुको। तो ये ना अलग अलग डेफिनेशन दिया गया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से, क्या डेफिनेशन है ये महान हैंडसम आदमी के हिसाब से, क्या डेफिनेशन है ये सुजुकी के हिसाब से, क्या डेफिनेशन है? सुजुकी तो बाइक का नाम है ना, अरे भाई सरनेम है सुजुकी। तो ये ना अलग अलग ऑथर का डेफिनेशन है, इसमें से कोई एक डेफिनेशन आप याद कर लेना, हम आपको सब पढ़ के सुना देते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर है तो पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ, इन्वायरमेंट मतलब इनके हिसाब से
लॉ के हिसाब से, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से एनवायरमेंट का डेफिनेशन क्या है? एनवायरमेंट इज द टोटल ऑफ वाटर, एयर, लैंड एंड देयर रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स. पानी, हवा, जमीन, ये है एनवायरमेंट. और इनका एक दूसरे से रिलेशनशिप, ये है एनवायरमेंट. अकॉर्डिंग टू अलग अलग आदमी अपना अपना व्यू दिया है. समझे, इंसान से क्या रिलेशन है, इंसान का प्रॉपर्टी से क्या रिलेशन, मतलब एक इंटर रिलेशनशिप को एनवायरमेंट कहते हैं. हम लोग किससे रिलेटेड है बोलो? नेचर से. नेचर किससे रिलेटेड है? हम लोग से. पेड़ पौधा से हम लोग अफेक्टेड है, हम लोग से पेड़ पौधा अफेक्टेड है. हम लोग से तालाब इफेक्टेड है, तालाब से हम लोग इफेक्टेड है. आप देखो आपका लोग, आप लोग का एरिया में तालाब होगा है ना, एकदम नोंगड़ा पड़ा होगा, गंदा पड़ा होगा. नॉर्मली हम लोग दूसरा दूसरा कंट्री में जाओगे तो देखोगे तालाब उलाब एकदम साफ सुथरा रहता है. हम लोग भी टीवी में देखे हैं, दूसरा कंट्री में साफ सुथरा रहता है, आप लोग भी देखिएगा. लेकिन अगर अपना कंट्री का तालाब देखोगे एकदम गंदा घिनाया हुआ है, वही एक तो छठ पूजा के टाइम में थोड़ा बहुत साफ कर देता आदमी लोग, देखते नहीं हो? फिर बेटा वही वहाँ पे लिखा हुआ कूड़ा फेंकना मना, वहीं पे कूड़ा फेंक रहा. पास डोंट थ्रो गार्बेज, वहीं पे थ्रो गार्बेज, आई विल थ्रो गार्बेज लिखा रहता है. डोंट थ्रो गार्बेज, आदमी लेने आई विल थ्रो गार्बेज. मार कचरा, मार कचरा, एकदम कचरा का पहाड़ बना दे. इतना कचरा फेंक रहा, पूरा घिना गया, बीमारी का घर. तो लॉट्स ऑफ इश्यूज. तो वाटर से हम लोग रिलेटेड है, हम लोग से वाटर रिलेटेड है. एयर से हम लोग रिलेटेड है, हम लोग से एयर रिलेटेड है. लैंड से हम लोग रिलेटेड है, हम लोग से लैंड रिलेटेड है. बोलो हाँ कि नहीं? ये बात हम नहीं बोल रहे, ये कौन बोला था? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का डेफिनेशन. अब आइए विल्सन का डेफिनेशन क्या, ये बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने क्या लिखा था, देखिए. इन्वायरमेंटल स्टडी इज द इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचुरल सिस्टम. आप ठीक से पढ़ो तो घोरा फिर के वही डेफिनेशन कि क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस प्यार को क्या नाम दे. हमारे और नेचर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है? आप सुनो, आपका बाबू आपका काट के जा सकता है, लेकिन आप अगर पेड़ को काटोगे तो जिंदगी भर कटवाते रहोगे. क्योंकि पेड़ जो है ना, पेड़ बहुत जरूरी है हम लोग के लाइफ के लिए. इसीलिए पेड़ पौधा को प्रिजर्व करना जरूरी है. बात समझे, बाबू को गिफ्ट देके कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा तो पेड़ पौधा लगा दीजिए अपना घर का बगल में. क्या है? ग्रो होगा, लोगों को हवा लगेगा, जिंदगी भर आपको दुआ मिलेगा. मतलब नेचर पढ़ाए तो नेचर वाले ना एग्जाम्पल देंगे. बात समझे ना, आप सोचो आप अपना बाबू के लिए तो 500 रुपया गिफ्ट लिए, कोई फायदा नहीं. उससे अच्छा क्या करिए, अपना घर का बगल में अगर थोड़ा सा जगह है तो पेड़ पौधा लगा दीजिए, प्लांटेशन करिए. वो पेड़ पौधा से हवा आएगा, क्या पता बाबू को भी अगर कोई बीमारी उमारी हो जाता है, सांस पास लेने वाला, तो पेड़ पौधा से बच जाएगा. इसीलिए सावधान रहे और सुरक्षित रहे. बात समझे, इसीलिए पेड़ पौधा लगाओ, पेड़ पौधा लगाओ प्लीज. देखो यहाँ पे क्या लिखा है उसका, देखो क्या बोला है. मैनेजिंग कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स इन अ वे दैट सस्टेन्स द हेल्थ ऑफ बोथ ह्यूमन एंड प्लैनेट. इंसान का जिंदगी और प्लैनेट का जिंदगी. प्लैनेट पे, प्लैनेट मतलब क्या, अभी आपको पढ़ाएंगे. जो भी चीज हम लोग के आसपास में, सबका लाइफ को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज. अब सुजुकी का डेफिनेशन. सुजुकी क्या बाबू? सुजुकी आदमी का नाम है, मारुति सुजुकी नहीं, डेविड सुजुकी. सुजुकी ने क्या कहा, एनवायरमेंट इज नॉट जस्ट स्टडिंग द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट स्टडी का मतलब सिर्फ एनवायरमेंट को पढ़ना नहीं, इट्स अबाउट चेंजिंग द वर्ल्ड, वर्ल्ड को बदलना. जो आपको हम एग्जाम्पल अभी दिए, आप सिर्फ पढ़िए मत, घर जाके एक पेड़ पौधा भी लगाइए प्लीज. पेड़ लगाना तो पॉसिबल, पेड़ बड़ा होता है, पौधा लगाइए. क्या लगाएगा वो पौधा? ट्री और प्लांट में डिफरेंस है. यस, उन्होंने बोली. ट्री मतलब क्या, लंबा चौड़ा. ओ, ट्री मतलब पौधा. एक लड़का बोला ट्री मतलब प्लांट, नाइस इंग्लिश. इट्स अबाउट रिकॉग्नाइजिंग दैट वी आर द पार्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड. आप सिर्फ नेचर को पढ़िए मत, सिर्फ किताब में पढ़ के छोड़ मत दीजिए. आप महसूस कराइए कि हाउ यू आर इंटरेक्टेड टू नेचुरल वर्ल्ड. कोलकाता का सबसे खूबसूरत नेचुरल प्लेस कौन सा बताइए? लेक गार्डन. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट नॉलेज यार, क्या नॉलेज है, वेरी गुड. सॉल्ट लेक नहीं, हम क्या बोले, नेचुरल प्लेस. पूरा कोलकाता का सबसे खूबसूरत नेचुरल प्लेस कौन सा बताइए? हमको तो लगता है लेक गार्डन, आपको क्या लगता है कमेंट करके बता दीजिए. बस समझे, लेक गार्डन. ले बस, कितना जबरदस्त खूबसूरती उस जगह को बताइए. बस समझे, आप क्या सोच के हजरे आपको बताओगे. लेकिन जगह तो नेचुरल है ना, नेचुरल ही कितना खूबसूरत जगह है. बस समझे, खुला आसमां, हंसी वादिया, समझ रहे हो ना. बस इधर देखो, इधर क्या लिखा, इट्स अबाउट रिकॉग्नाइजिंग दैट वी आर द पार्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड. फील करो कि यू आर द पार्ट ऑफ नेचर. अगर मेरा बस चलता, मेरा अपना बस बता रहे, अगर मेरा बस चलता तो हम पूरा कोचिंग का एनवायरनमेंट क्या करते, घास भूसा करा देते, घास भूसा वाला एनवायरनमेंट कर देते. चारों तरफ हम घास भूसा में पढ़ते, थोड़ा कोचिंग है तो अच्छा नहीं लगे, इसीलिए तो पूरा घास भूसा वाला एनवायरनमेंट कर दे. इसके अंदर आकर क्या पढ़ते, हम भी जीव जंतु का तरह एकदम बढ़िया से पढ़ते, पढ़ाई करते, पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट. आज पूरा एरियाज में खो जाना है आपको. देखिए, नॉट सेपरेट फ्रॉम इट, वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वी आर द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. बस देखो, एंड दैट आर एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द हेल्थ वेलबींग ऑफ प्लैनेट. मतलब आप अगर चारों डेफिनेशंस को पढ़ोगे, घूर फिर के एक ही बात है कि हाउ वी आर क्लोजली कनेक्टेड टू द एनवायरनमेंट
and how environment is connected to us. We are the part of nature, nature is the part of us. So what kind of relations we are finding between the us and environment or nature? Nature और हमारे बीच में क्या relation है? ये relation का study करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? Environmental study. इतना सुनने के बाद तो भर भर के लिख के आ जाओगे. इसे मत लिखना कि बाबू को planet दे देंगे ये दिन, उसे मत लिखना. लेकिन जो जितना काम का बात है वो तो लिख सकते हो ना. अब आओ, environmental study के बारे में बोला गया कि पूरा दुनिया में इन्वायरमेंटल स्टडी के तीन एलिमेंट है. कितने एलिमेंट है बाबू? तीन. उससे पहले मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बताता हूँ इन्वायरमेंट का. ध्यान से देखिए, बताना आप लोग, आज बहुत साइंटिफिक रिसर्च होने वाला है. देखिए, पूरा दुनिया में अगर आप देखोगे दो ही चीजें बाबू. कितना चीजें बताइए? दो. एक है लिविंग और एक क्या बताइए? हम लोग कौन? कमेंट करिए यार ऑनलाइन वालों, कमेंट करिए हम लोग कौन. लिविंग में भी दो ही चीज है, एक प्लांट और एक क्या बाबू? एनिमल. हम लोग कौन? बोले चुप क्यों हो जाओ बाबा, सच्चाई का सामना करो. देखिए अगर, अच्छा एक मिनट, हम जो बोर्ड में लिखे हैं आप लोग बताना, हम जो बोर्ड में लिखे हैं इसमें कुछ भी इलॉजिकल या गलत या अनसर्न लिखे तो आप बोले कि नहीं आप उल्टा पुल्टा चीज लिख दिए. या साइंटिफिकली आप हमको गलत प्रूफ करके दिखाइए तो सही लिखे. तो दुनिया में कितना क्रिएचर है बताइए? तो लिविंग और आप क्या हो? लिविंग की नॉन लिविंग? लिविंग वो होता है जिसमें क्या होता है? जान होता है. क्या होता है बाबू? जान. आर नॉन लिविंग कौन? जिसमें जान नहीं है. ये कोचिंग वोचिंग क्या है? ये सब क्या है? इसमें जान है? नहीं, नॉन लिविंग. आर जान वाला चीज तो हिट है दुनिया में. ये क्या बताइए? प्लांट. और क्या? जानवर. जानवर क्या हो गया? ये नहीं, हम लोग क्या प्लांट है क्या? तुम तुलसी का पेड़ हो, तुम रजनीगंधा हो, तुम गेंदा का फूल हो, ऐसे बोलते क्या? तुम आम का पेड़ हो, अरे तुम्हारा कटहल जैसा चरित्र है, ऐसे बोलते क्या? ऐसे बोलोगे? बोलो नहीं बोलो. हम लोग क्या बोलिए? अरे आराम जरा से. अरे बाबा गिर बचाओ भाई, तो गिर फिर जा रहा है. अरे इसके चेयर दे, चेयर दे, चेयर गिर जाए, चेयर दीजिए, चेयर दीजिए बाबू, चेयर ले लो, चेयर ले लो. पीछे ना एक तो चेयर टूटा हुआ, उसमें मत बैठिएगा बाबू. देख लीजिए पीछे एक तो चेयर टूटा हुआ, चेयर ले लीजिए, अच्छा से हंसने में सुविधा होगा. देखिए जल्दी बोलो, हम लोग क्या है बोलिए? प्लांट की एनिमल. हम लोग क्या? एनिमल. हम लोग एकदम पवित्र जानवर है, शुद्ध जानवर है हम लोग. शुद्ध क्या बाबू? जानवर. अब यही जानवर अगर पहले मैम बोल देते थे स्कूल में तब गुस्सा हो जाते थे. हाँ मैम को जानवर बोलती, मैं दिल में लग गया. दिल में लगने भी बात ही, मैम तो सच बोलती थी. हाँ बोलने का तरीका अलग था. मैम थोड़ा गुस्सा भी बोलती थी, हम इतना प्यार से बोले था वो अच्छा लग रहा सुनने में. बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, हाँ हम लोग एनिमल है, हम लोग एनिमल. खुशी खुशी बोल रहे क्या बोलने का? आपको क्या पढ़ाया हुआ? कम्युनिकेशन का रूल होता है, व्हाट यू से डज नॉट मैटर, हाउ यू से दैट मैटर. आप सोचो यही चीज अगर कॉलेज में गुस्सा में जानवर है मत उनको चीज, तो आपका ईगो में लग जाएगा. जानवर बोल दिया हमको, बाहर निकले बता रहे हैं समझे. लेकिन अभी क्या है, आप कितना प्यार से फील कर, वाह हम तो जानवर है, सच में जानवर. तो माय डियर स्टूडेंट जल्दी बताइए, हम लोग प्लांट के एनिमल? सुना नहीं दे रहा बाबू, याद रखिएगा हम लोग क्या है? एनिमल. अब आओ, पूरा दुनिया का एलिमेंट्स देखिए. इन्वायरमेंटल स्टडी तीन पार्ट में पढ़ा गया. इन्वायरमेंट स्टडी जब हम लोग करेंगे तीन चीज़ों का रिलेशनशिप को ज़्यादा पढ़ेंगे. पहला फिजिकल इन्वायरमेंट. फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब स्पेस. स्पेस समझते हो क्या होता है? क्या फिजिक्स वाला से लैंडफॉर्म. लैंडफॉर्म समझते हो क्या होता है? जमीन. जमीन आसमान. वाटर बॉडीज पानी. क्या बाबू? पानी. पानी क्या बाबू? क्लाइमेट. क्लाइमेट मतलब वेदर रिलेटेड थिंग्स. सॉइल. सॉइल मतलब, सॉइल मतलब क्या? मिठाई, मिट्टी. उसके बाद रॉक्स. रॉक्स मतलब चट्टान. क्या बाबू? चट्टान. बड़ा बड़ा पत्थर को क्या बोलते हैं? चट्टान हो तुम. क्या हो तुम? आप लोग क्लास में कोई चट्टान जैसा हेल्दी नहीं है, बात समझे? इधर देखिए. उसके बाद मिनरल्स. ये सारा चीज कहाँ आ गया बताइए? फिजिकल एलिमेंट्स में. तो आपसे बोलेगा गिव टू एग्जांपल ऑफ फिजिकल एलिमेंट, चिपका दोगे क्या एग्जांपल? तो स्पेस, लैंडफॉर्म, वाटर बॉडीज. बोला चट्टान चिपका देंगे. लैंड रिफॉर्म, वाटर बॉडी, क्लाइमेट. आपसे पूछेगा फिजिकल इन्वायरमेंट का एग्जांपल दीजिए, फिजिकल एलिमेंट्स. तो ये क्या हो गया? ये सारा एग्जांपल हो गया. ठीक है बाबू, देखो अगला है बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल में क्या क्या आता है बताइए? बायोलॉजिकल में क्या आता है? प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कीड़ा मकोड़ा. कीड़ा और मकोड़ा. उसके बाद ह्यूमन बींग्स, इंसान. इंसान हम लोग सब क्या है? कीड़ा मकोड़ा की कैटेगरी में ही हम लोग हैं. देखिए प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स.
एनिमल में सबसे बुद्धिमान एनिमल कौन है? हम लोग। सबसे समझदार एनिमल कौन है? हम लोग। हम लोग एक ऐसा एनिमल जिसके पास क्या है? दिमाग। इसीलिए हम लोग सबसे तेज एनिमल है। बस में अब आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना, बताइए दुनिया में, मतलब दुनिया को छोड़िए, आपके नॉलेज के हिसाब से सबसे पावरफुल जानवर कौन सा है? सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है? हाथी। कौन है बताइए? हाथी। लेकिन डिफरेंस क्या बताइए? हाथी को ये महसूस नहीं है कि मेरे पास कितना ताकत, क्योंकि हाथी तो बहुत पावरफुल है, हाथी से पावरफुल तो कोई है नहीं। लेकिन हाथी का शरीर भी देख लीजिए, अगर एक बार पैर रख देगा ना तो चपटा हो जाएगा हम लोग, बात समझे ना। लेकिन क्या है, उसको ये महसूस नहीं है। हाथी बहुत कूल माइंडेड होता है, आप देखते होंगे नॉर्मली, ठंडा दिमाग से एकदम चुपचाप है, उसको कोई मारते आ रहा, सुई भुगते आ रहा, कुछ रिएक्ट नहीं आ रहा। जब रिएक्ट कर रहा तो खतरनाक तरीका से रिएक्ट करे। तो क्या है, देखिए एनिमल में सबसे बुद्धिमान एनिमल हम लोग है। कौन हम लोग? कौन? इंसान पहले क्या था बताइए? एक्सीलेंट नॉलेज। इंसान पहले क्या था? बंदर। वेरी गुड। इसीलिए आप बंदर बहुत ज्यादा, बंदर को देखोगे तो आपको लगेगा यार तो मेरा ही सही लग रहा पता चलता ना, तो मेरा ही सही लग रहा, रिफ्लेक्शन आया था तो भाई मेरा जैसा लुक लग रहा भाई। चलिए बहुत बार, बहुत सारे जगह आप देखिएगा, एक एक तो जगह इंडिया में ऐसा है जहाँ पे मतलब बंदर देखोगे ना आपको मतलब पूरा अपना रिफ्लेक्शन लग रहा, तो पूरा सेम लग रहा भाई। तो ये सारा क्या हो गया? बायोलॉजिकल। क्या हो गया? अबू बायोलॉजी, बस समझे, कोई बंदर याद कर रहे क्या? अगला है कल्चरल एलिमेंट्स। कल्चरल एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे इकोनॉमिक, देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु फॉर द इकोनॉमिक रीजन कटिंग द ट्रीज एंड प्लांट्स। आदमी इकोनॉमिक रीजन के लिए भी तो पेड़ पौधों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इकोनॉमिक रीजन समझते हो? पैसा कमाने के लिए। आप लोगों को मूवी देखो, एक मूवी निकला था पुष्पा, क्या निकला था? पुष्पा, याद है आप लोगों? पुष्पा मूवी में क्या दिखाया गया था बताइए? कि वहां पर लकड़ी के ऊपर पूरा फिल्म है, पूरा फिल्म लकड़ी के ऊपर है कि वहां पर लकड़ी का काटता है, लकड़ी का बिजनेस करता है। तो उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? सीखने का कुछ नहीं उसमें, तो चोरी चमारी वाला फिल्म है, बस समझे। सीखने का यही है कि आपका लकड़ी इतना वैल्यूबल हो सकता है। आप सोचो लकड़ी कितना वैल्यूबल है, साउथ में ज़्यादा पाया जाता है, सब साउथ के स्टेट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, बस समझे। इतना महंगा महंगा प्लांट्स है, इतना महंगा महंगा ट्रीज है। हम लोग का नॉर्थ में भी, ईस्ट में भी महंगा महंगा प्लांट ट्रीज होता है। बहुत सारा प्लांट ऐसा है जिसका बहुत वैल्यूज है, बहुत महंगा। शीशम का पेड़ लाख लाख रुपए के बिकता है, बात समझे ना। तो लकड़ी समझिए सोना की तरह है, बहुत वैल्यूबल। तो आजकल लोग क्या करते हैं ना, अपना इकोनॉमिक पर्पस के लिए पेड़ पौधों को काटते हैं, इकोनॉमिक मतलब पैसा कमाने के लिए। बांस, बांस समझते हो? बांस, अरे बाबा बांस जो पंडाल में यूज होता है, यस। अभी तो हर जगह कोलकाता में पंडाल बन रहा, देख रहे हो ना, तो वो जो बांस यूज हो रहा, आपको पता है? सोचिए बांस कितना वैल्यूबल है, यहाँ पे कितना ज्यादा वैल्यूबल है। शहरों में बांस भी भाड़ा पे मिलता है, सोचिए आप, शहरों में बांस जो है वो भाड़ा पे मिलता है, गाँव गाँव में जाइए तो आपको ऐसे मिल जाएगा, स्पेयर पड़ा हुआ मिलेगा। बट कितना वैल्यूबल है आप वो तो देखिए कि कितना उसका वैल्यू है, कि उसको भाड़ा करके लोग अपना रोजी रोटी कमा रहे। तो नेचर आपको बहुत कुछ देता है, लेकिन आप नेचर को उसके बदले में क्या देते हो? जिल्लत भरा जिंदगी। नेचर को काटते हो, तालाब को भर के बिल्डिंग बना दे रहे हो। आप बहुत सारा अपना एरिया में देखोगे, पहले तालाब तभी दिख रहे हो, बिल्डिंग बना हुआ, लो वाह 45 डिग्री हो गई है बिल्डिंग, बस कभी भी गिर जाएगा, लेकिन फिर भी बिल्डिंग में बिल्डिंग बने जा रहा है। बहुत सारा देखोगे अर्बनाइजेशन, इंग्लिश में एक वर्ड है, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं शहरीकरण। शहरीकरण मतलब ट्रांसफॉर्मिंग सम रूरल एरियाज इंटू अर्बन एरियाज। सॉटली की तरफ में आप जाएंगे, जितना जगह है वो सब जगह पहले क्या था? बहुत ही रूरल एरियाज था, मतलब बहुत ही रूरल एरिया, समझ रहे, मतलब वहाँ पे लोग जाते भी नहीं थे, पूरा पेड़ पौधा बहुत था, हरियाली था। अभी वो सारा हरियाली खत्म हो चुका है, बात समझे ना। हरियाली को खत्म करके ब्रिज बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं। ब्रिज रोड बिल्डिंग बनता है, दैट इज द साइन ऑफ डेवलपमेंट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, याद रखिए। मतलब गवर्नमेंट को एक ऐसा स्टेप्स लेना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट को, मतलब अपने कंट्री में या कोई भी कंट्री में गवर्नमेंट को हमेशा ये स्टेप लेना चाहिए कि डेवलपमेंट शुड बी देयर बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन किसी के कॉस्ट पे नहीं, मतलब किसी चीज़ को नुकसान करके नहीं। आजकल क्या होता है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा के हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपमेंट डेफिनेटली कर, तालाब था बिल्डिंग बना दिए, पेड़ पौधा को काट के ब्रिज बना दे रहे, दैट्स ओके फाइन, वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट बट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हम लोग इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज हो सकता है आपको दिक्कत नहीं हो रहा हो, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जब आप लोग का बेटा बेटी होगा, वो लोग को बहुत दिक्कत होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। जैसे इंटरेस्टिंग बात बता रहा है आपको, दिल्ली का नाम सुने हो आप लोग? दिल्ली इंडिया का क्या है? कैपिटल है। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। दिल्ली इंडिया का क्या बताइए? कैपिटल है। लेकिन आप लोग सुने होंगे, आप लोग कोई रिलेटिव रिलेटिव होगा तो पूछिएगा, दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है ना वो इंडिया में सबसे डाउन है, मतलब सबसे खराब है, समझ लीजिए एयर क्वालिटी बहुत खराब है। क्यों बोलिए? तो एक तो जगह छोटा है, कम जगह में, जैसे कोलकाता हम लोग का है, कोलकाता आपको कंजेस्टेड लगता है, क्यों लगता है बताइए? क्योंकि लोग ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है।
लेकिन फिर कोलकाता से भी ज़्यादा कंजेस्टेड, क्योंकि क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं है, लोग बहुत है, कैपिटल है, लोगों का आना जाना है, सबका पास गाड़ी है, अब कैपिटल सिटी है, ज़्यादातर लोग अमीर है वहाँ पे, ज़्यादा लोग अमीर मतलब समझ रहे, सबका पास गाड़ी है, बाइक है, ये ना है, तेना है, अब मैक्सिमम लोग इतना क्राउड है, पॉपुलेशन एकदम खतरनाक तरह से, पॉपू बहुत ज़्यादा है, पॉपू मतलब पॉपुलेशन, पॉपू मतलब क्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अब पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण इन वहाँ पर पॉल्यूशन समझे तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में, इसीलिए दिल्ली में गवर्नमेंट क्या किया, पॉपुलेशन को रोकने के लिए ऑड इवन कॉन्सेप्ट लाया था, जो इंडिया में बहुत पॉपुलर भी हुआ, लेकिन फिर से लोग आदमी देखो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट अपना आपको तरीका देता है, जैसे हम लोग रास्ता में ही देखते, गवर्नमेंट बोला डोंट थ्रो गार्बेज, देखो कि गार्बेज वहाँ पर मिलेगा, तो इसमें गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट आपके लिए कचरा का डब्बा रख सकता है, गवर्नमेंट घर में आकर के कचरा नहीं उठा सकता, अगर घर में भी आकर उठाओगा उठाएगा ना, फिर भी आप गलत जगह फेंक दोगे कचरा, तो इंसान जब तक हम लोग खुद ठीक नहीं होंगे तब तक हम लोग नेचर के साथ खेल रहे, हम लोग किसे खेल रहे बताइए, नेचर, कोई भी गवर्नमेंट होता है वो क्या करता है, जैसे कोई अपने एरिया में ही देखिएगा, गवर्नमेंट एक तो पार्क बनाया, क्यों बनाया पार्क, पर नेचुरल पार्क बनाया, एकदम पेड़ पौधा घास भूसा एकदम बढ़िया से हरियाली है पार्क में, पार्क का इन्वायरमेंट खराब कर देते हो आप लोग, बात समझे ना, पार्क का इन्वायरमेंट क्या कर देता है, आदमी लोग खराब कर देता है जा करके, गवर्नमेंट झूला लगाता है आदमी झूला लेके भाग जाता है, नहीं देखते गवर्नमेंट लैंप पोस्ट लगाया, लैंप है तो पोस्ट नहीं, पोस्ट है तो लैंप, तो यू कांट ब्लेम गवर्नमेंट फॉर ऑल द एक्टिविटीज, आपको हमेशा ये चीज सिखाया, बस समझे, अनलेस अंटिल यू आर गुड यू आर करेक्ट, आप जब तक खुद सही नहीं हो ना, जिसका अपना घर कांच का होता है ना दूसरा घर पे शीशा नहीं मारना चाहिए, याद रखिए, जब तक आप खुद हाँ अपना घर कांच का है दूसरा घर पे शीशा मारता, मतलब समझ रहे हो क्या होता है, कुछ आदमी का आदत क्या होता है क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज समझते हो, सिर्फ दूसरा का बुराई करना, तो अगर आपको लगता है कि आप खुद सही नहीं है तो फिर यू कांट ब्लेम अदर्स, लेकिन ये चीज लोग समझते नहीं, आप पहले अपने आप को देखिए ना आप क्या हो, तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अपने आप को ब्लेम नहीं करते कि हम गलती कर रहे हैं, हम गलत जगह सामान फेंक रहे हैं, हम इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं, हम तालाब नदी नाला डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम लोग ब्लेम किसको करते हैं, गवर्नमेंट, तो हर चीज़ के लिए आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, स्पेशली इन्वायरमेंट के लिए गवर्नमेंट, एक बार बताइए अगर हम यहाँ पे प्लांट लगाएंगे तो क्या हमको पुलिस पकड़ करके चल जाएगा, तो लगाइए ना जगह है तो लगाइए, तो ये तो गवर्नमेंट हमको नहीं बोलेगा, तो हमको खुद सोचना चाहिए कि प्लांट लगाएंगे मेरा फायदा हो, तो नेचर को प्रोटेक्ट करना हम लोग का प्राइमरी ड्यूटी है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज होता है इंसान का, फंडामेंटल ड्यूटीज में एक ड्यूटीज क्या है, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, अगर आपको बनना है तो आप नेचुरल लवर बनिए, किसका लवर बनिए, नेचुरल, नेचुरल लवर मतलब सच्चा प्रेमी नहीं, नेचर से प्यार करिए, लेकिन आप लोग क्या करें, इंसान से प्यार करो, तो इंसान से प्यार करिएगा, अगर नेचर ही नहीं रहे तो इंसान से क्या प्यार करोगे, बात समझे, क्योंकि नेचर को अगर आप डिस्ट्रॉय कर दोगे तो बीमारी हो जाएगा, तो जिससे प्यार करने तो मर जाएगा, बस समझे, क्योंकि नेचर में जगह नहीं है, तो नेचर को प्रोटेक्ट करिए, नेचर क्या करिए प्रोटेक्ट, जब कोविड का सेकेंड वेव आया था तो इंडिया में ऑक्सीजन का बहुत कमी हो गया था, क्यों, पेड़ पौधा का जो काट रहे हो, जंगल को काट दे रहा, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड है डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगल को काट के शहर बना दिया, बस समझे, एक तो रूल बताते हैं आपको, गवर्नमेंट का रूल है कि अराउंड आपका 1.5 से 2 मतलब जहाँ पे डंपिंग स्टेशन होता है, डंपिंग स्टेशन का मतलब होता है जहाँ पे कचरा फेंका जाता है, ठीक है, कचरा जहाँ पे फेंका था वहाँ का 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में, अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली हमको याद नहीं आ रहा, 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में कोई भी आदमी बसेगा नहीं, बसेगा मतलब समझते हो, मतलब कोई हैबिटेट नहीं होगा, हैबिटेट मतलब कोई आदमी वहाँ पे घर नहीं बनाएगा, कोई रहेगा नहीं, बहुत सारा जगह ऐसा है इंडिया में जहाँ पे आप देखोगे डंपिंग स्टेशन है, कचरा फेंकाता है, क्योंकि जहाँ पे कचरा फेंकाता है वहाँ पे आसपास में बहुत तरह का बीमारी होता है, लेकिन आदमी लोग बहुत सारे आदमी क्या वहाँ पे भी जमीन खरीद के वहाँ पे बिल्डिंग बना के रह रहे हैं, अब देखो कि कोलकाता में भी दूसरे स्टेट्स में भी पूरा इंडिया का बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर पर्टिकुलर स्टेट का बात नहीं कर रहे, बहुत जगह आप अपने आसपास में भी कहीं कहीं देखोगे कूड़ा का जो फेंका रहा है वहाँ पे कोई घर बनाने का भी जगह ही नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का रूल है कि नहीं बनेगा, लेकिन आदमी क्या कर रहे हैं इलीगल वे में कंस्ट्रक्ट करके इलीगल वे में वहाँ पे घर बना ले रहे फिर बीमारी हो रहा था, बोले गवर्नमेंट क्या कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा भाई, यू कांट ब्लेम गवर्नमेंट फॉर ऑल द एक्टिविटीज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द नेचर, प्रोटेक्टिंग नेचर इज आर प्राइमरी ड्यूटी, नेचर को प्रोटेक्ट करना हम लोग का प्राइमरी ड्यूटी, बस समझे, अब लोग धीरे धीरे बहुत जागरूक हो गए, अब धीरे धीरे लोग कॉन्सियस हो गए, अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो गए, बोले नहीं, अब आप देखोगे ना जहां तहां पेड़ काटने से बहुत सारे आदमी प्रोटेस्ट करने लगते हैं, बोले क्या कर रहे हैं पेड़ क्यों काट रहे हैं, आपको बिल्डिंग बनाना बनाइए, घर बनाना बनाइए, ऐसा बनाइए कि नेचर भी रह जाए और बिल्डिंग भी बनाइए, खोजिए साइंटिफिक तरीका, खोजिए ऐसा करना होगा, तो प्रोटेक्ट नेचर, बस समझे, एंड डेवलप द स्टेट, डेवलप द कंट्री, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लॉस टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा के नहीं, देखिए कल्चरल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक पैसा परपज कमाने के लिए बहुत सारे लोग नेचर के साथ खेल रहे हैं, सोशल इन्वायरमेंट, हम लोग के देश में सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा है, सुपरस्टिशन के नाम पे भी लोग पेड़ पौधा काट देते हैं, कुछ रिचुअल्स ऐसा है जहाँ पे पेड़ को काटेगा तो धर्म से रिलेटेड चीज़ हो जाता है कि पेड़ को काटो, तो ये सब सुपरस्टिशन के नाम पे भी हम लोग कितना पेड़ पौधा को काट देते हैं, पेड़ पौधा में भी जान होता है, पेड़ पौधा में क्या होता है बताइए, ये बात कौन बोला था पता है आपको, कौन बोला था बताइए, तो पेड़ पौधा में जान होता है वो इंडिया के कौन से इंसान ने कहा था,
आचार्य जगदीश चंद्र बोस। आप लोग कौन कौन बच्चे एजेसी कॉलेज में हो? आरुडा कोई हो इस बैच में? कोई एजेसी कॉलेज में नहीं, कोई हो तो कमेंट कर देना ऑनलाइन में, ठीक है। एजेसी मतलब क्या? आचार्य जगदीश चंद्र बोस। आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी साइंटिस्ट थे और उन्होंने पहले सबसे पहले इंडिया में कहा कि पेड़ पौधों में भी क्या होता है? जान। इस बात के लिए आपने आपने जब आप लोग उच्च माध्यमिक में पढ़े होंगे इंग्लिश लिटरेचर में एक कविता भी था ऑन किलिंग अ ट्री, पढ़े हो कि नहीं पढ़े बोलो? अगर हम गलत बोले आप ले नहीं, आप उल्टा पुल्टा बात बोल रहे बोलिए, समझे? तो आप पढ़े थे ना ऑन किलिंग अ ट्री, उसमें क्या पढ़ाया था कि पेड़ को काटोगे तो उसका भी जान होता है, वो भी तड़पता है उस तरह से जिस तरह से कौन तड़पते हो? आप और हम। तो पेड़ पौधों में भी क्या होता है? जान। क्या होता है बाबू? जान। देखिए आप जब गाँव ही जाते होंगे, जहां भी आप अपना गाँव जाते होंगे, तो आप देखो कि जैसे आप स्टेशन पर उतरते हो वहां का हवा में एक अलग ताजगी, कोलकाता का हवा में एक अलग ताजगी, दिल्ली का हवा में एक अलग ताजगी। ताजगी मतलब समझ रहे, पॉल्यूशन। हम लोग शहर है ना, शहर में पॉल्यूशन होगा ही, कॉमन सेंस सोचिए, शहर में पॉल्यूशन होगा। बट व्हाट वी नीड टू डू, अभी जैसे कि ई व्हीकल्स प्रमोट किए जा रहे हैं, ई व्हीकल्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक का बाइक आ रहा है। अब जैसे देखिए हम लोग का बाइक, अब हम लोग का बाइक रास्ता में चलेगा तो हमारा पॉल्यूशन में पॉल्यूशन फैला, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन सब फैला के जाएगा। अब वही मान लीजिए नॉर्मली कोई भी बाइक आप लीजिएगा तो एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन होगा। आजकल इलेक्ट्रॉनिक बाइक चल रहा है, देखते होंगे आप लोग, एकदम आवाज नहीं, बगल से गुजर जाएगा बाइक चला के पता भी नहीं चला, इतना शांत चुपचाप नॉइजलेस। आप लोग में भी किसी के पास था, हम देखे थे पास लेके आए थे क्लास के बाद, तो क्या नॉइजलेस गाड़ी, एकदम कोई आवाज नहीं है, एकदम शांत सन्नाटा, बस समझे, कोई पोल्यूशन नहीं है। तो यही हुआ डेवलपमेंट। अब आगे बढ़िए, लेकिन अब धीरे धीरे देखोगे ना कुछ समय बाद सारा गाड़ी ई व्हीकल्स हो जाएगा, कार भी अब आता है। अब आप लोग देखते होंगे बहुत सारा कार भी आता है जिसको जो इलेक्ट्रॉनिक कार, और इलेक्ट्रॉनिक कार बहुत महंगा महंगा गाड़ी आता है। तो धीरे धीरे क्या होगा बताइए, धीरे धीरे सारा चीज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह बढ़ेगी। बट आपको तरक्की करना है लेकिन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके, याद रखिए। अगला है बाबू पॉलिटिकल रीजन। बहुत सारा आदमी क्या करता है पॉलिटिकल रीजन से, पहले पेड़ को काट देता है फिर जाके पेड़ लगा देता है, न्यूज में दिखा देता है कि देखो मैं पेड़ को बचा रहा हूँ, मैं नेचर को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो बहुत सारा आदमी पॉलिटिकल रीजन से भी ना पेड़ पौधा को कटवा देते हैं, तो ये सब गलत चीज़ है, नेचर के साथ खेलना नहीं चाहिए। तो दीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। अब भाई ये यहाँ तक पढ़ाएंगे आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है ना, यहाँ तक पढ़ाएंगे। इन्वायरमेंटल स्टडी क्या है भाई? इन्वायरमेंटल स्टडी इज मल्टी डिसिप्लिनरी। आपसे पूछेगा व्हाई इन्वायरमेंटल स्टडी इज मल्टी डिसिप्लिनरी, तो मल्टी मतलब मेनी, डिसिप्लिन मतलब ब्रांच। तो इन्वायरमेंटल स्टडी इज मल्टी डिसिप्लिनरी बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस ब्रांच ऑफ स्टडीज। ईवीएस जब आप पढ़ोगे ना उसमें बहुत सारा ब्रांच ऑफ स्टडीज के बारे में पढ़ोगे आप, जैसे देखो लिखा होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज मल्टी डिसिप्लिनरी बिकॉज इट कंप्राइजेस वेरियस ब्रांच ऑफ स्टडी लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल साइंस, लाइफ साइंस, बस में एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, इन सारा चीज का थोड़ा 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 करके टच है इसमें, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज मल्टी डिसिप्लिन। मल्टी माने मेनी, डिसिप्लिन मतलब ब्रांच ऑफ स्टडी। तो इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी कैनो कैनो कि इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस ब्रांच ऑफ स्टडीज, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टडी होता है, बहुत सारा ब्रांच ऑफ स्टडी का टच है इसमें, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। क्या बोलते हैं बताओ? 2 मार्क्स में पूछेगा व्हाई इन्वायरमेंटल स्टडी इज मल्टी डिसिप्लिनरी। तो इन्वायरमेंटल स्टडी इज मल्टी डिसिप्लिनरी बिकॉज इट कंप्राइजेज ऑफ वेरियस ब्रांच ऑफ स्टडीज लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लाइफ साइंस एंड ऑल, बात समझे ना। इट इज अ साइंस ऑफ फिजिकल फिनोमेना इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या हो रहा, क्यों हो रहा, कब हो रहा, कैसे हो रहा, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? इन्वायरमेंटल स्टडी। इन्वायरमेंटल स्टडी डील्स विद एवरी इशू ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसान के जिंदगी से रिलेटेड। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? खाली इंसान ने, इंसान, पेड़ पौधा, जीव जंतु, हर एक चीज से रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे। कहाँ पे बताओ? इन्वायरमेंटल स्टडी में। इट इज एन अप्लाइड साइंस बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो जो पढ़ते हो आप उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना। इन्वायरमेंटल स्टडी का क्या स्कोप है भाई? देखिए ये कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को बचाने में हेल्प करता है। इकोसिस्टम क्या होता है सिर्फ डिटेल में आपको अगला दिन पढ़ाएंगे। ये पोल्यूशन को कंट्रोल, पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एक बहुत बड़ा बात बोला गया कि पॉपुलेशन इज द रीजन ऑफ पॉल्यूशन। सिंपल, पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए पॉल्यूशन भी ज्यादा है। सिंपल सा बात है, आदमी ज्यादा होगा तो गंदगी भी तो ज्यादा होगा। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये भी हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस में। और लास्ट है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपू ऑन द एनवायरनमेंट, इंसान के का पॉपुलेशन का एनवायरनमेंट पे क्या रिलेशन है, और एनवायरनमेंट का है ह्यूमन पॉपुलेशन पे क्या रिलेशन है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। तो ये सब चीज़ हम लोग को पढ़ना है, कहाँ पे बताइए? ईवीएस में। फिर इसके आगे अगले दिन पढ़ेंगे, पहले हमको ये बताइए कुछ एमसीक्यू पूछ रहे, बताइए ईवीएस का फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल स्टडीज या साइंस भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडीज। अच्छा बताइए इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंट कौन सा वर्ड से आया है? फ्रेंच, फ्रेंच वर्ड कौन सा है? इनवायरॉन। क्या बाबू? इनवायरॉन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? सराउंडिंग्स। और बताइए
इन्वायरमेंटल स्टडी में किसका रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग, ह्यूमन एंड नेचर। क्लियर है गाइस? थैंक यू सो मच।